शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ और अन्य पदों के लिए भर्ती में हुए घोटाले को अब यहां के प्रशासनिक अधिकारी दबाने में लग गए हैं। इस कॉलेज में हुए भर्ती घोटाले का मामला मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व में ही उठ चुका है। पिछोर से कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था और इसकी जांच के लिए समिति भी बनाई गई है, लेकिन अब इस भर्ती घोटाले से संबंधित दस्तावेजों को कॉलेज से गायब किया जा रहा है। विज्ञप्ति के अनुसार लेबरटेंट पद के लिए मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें उसके लिए अनुभव के लिए कोई जानकारी नहीं थी, ना तो अनुभव सर्टिफिकेट मांगा गया था ना कुछ। जब उनने उसकी मेरिट आई तो उसमें अनुभव के अंतर देकर उनकी भर्तियां कर ली गई है, जो कि गलत है। जब हमने उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहिए तो जानकारी भी नहीं दी गई हमें। जब हमने आरटीआई लगाई उसकी 17 जून को, तो उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है डेट निकलने के बाद भी, और ना ही अपील अधिकारी के बारे में कोई जानकारी वो मध्य रहे कि इसकी अपील कहाँ पर की जाएगी, और ना ही उसके आरटीआई की कोई जानकारी मुझे मध्य गई। वहीं दूसरी ओर पत्रकार अजय खेमरे ने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज में बड़े स्तर पर अपात्रों की फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विभिन्न पदों के लिए भर्ती की गई है और इसमें कॉलेज की डीन से लेकर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। सरकार द्वारा जब एक मुश्त पद स्वीकृत किए गए तो इसके बावजूद टुकड़ों में पदों की भर्ती की जा रही है। जो जितना पैसा दे देता है डीन और जो स्वशासी संस्था का पूरा प्रबंध संस्थान है, पैसे लेकर के पोस्ट वाइज वैकेंसियां जारी करते हैं और कोई शासन के नियमों को ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मन मर्जित और मन माफिक तरीके से वेटेज दे करके आवेदकों को सीधे नियुक्ति पत्र थमाए जा रहे हैं और इसकी अगर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी तो बहुत बड़े बड़े अफसर इसमें शामिल पाए जाएंगे। पूरा मामले में बड़े स्तर पर पर्देदारी की जा रही है, विधानसभा कमेटी जाँच कर रही है। इसके बाद भी कई आवेदकों को मनगणन तरीके से मन माफिक तरीके से वेटेज देकर क्लास 3 के पदों पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें मेडिकल कॉलेज की जो डीन है ईला गुजरिया, पूर्व डीन ज्योति बिंदल और कमिश्नर VM शर्मा शामिल हैं। शिवपुरी से EMSTV के लिए रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट।